टीवी इंडस्ट्री के लोकप्रिय चैनल स्टार प्लस ने अब तक बहुत से यादगार सीरियल दिए, साथ ही कई दमदार कलाकार भी दिए। उनमें से ज्यादातर बाल कलाकार हैं जिन्होंने स्टार प्लस के कई सीरियल में अपने दमदार अभिनय और मासूमियत से सभी का दिल जीत लिया और दर्शकों को अपने ओर आकर्षित कर लिया। यही वजह है कि दर्शक स्टार प्लस के टीवी सीरियल को देखना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन स्टार प्लस के सीरियल में बतौर बाल कलाकार काम करने वाले ये कलाकार आज काफी बड़े हो गए हैं और काफी बदल भी चुके हैं, जिन्हें आप पहली नजर में पहचान नहीं पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको स्टार प्लस के सीरियल में काम कर चुकी कुछ ऐसे ही चाइल्ड एक्ट्रेस से रूबरू करवाएंगे जो आज काफी बदल चुके हैं। तो आइए जानते हैं कौन से है वो चाइल्ड एक्ट्रेस। नंबर 7, खुशी दुबे। कॉमेडी शो बा बहू और बेबी में सिमरन का किरदार तो आपको याद ही होगा ना, जिन्होंने अपनी मासूम शैतानियों से सभी के दिलों में जगह बना ली थी। इस किरदार को निभाने वाली अभिनेत्री का असली नाम खुशी दुबे है। उस वक्त इनकी उम्र 6 साल थी, फिर भी इन्होंने अच्छे से अपने किरदार को निभाया। इस सीरियल के बाद इन्होंने कसम से और राखी जैसे सीरियल में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। टीवी शोज के अलावा इन्होंने मुंबई टॉकीज और दिल धड़कने दो जैसी फिल्मों में भी काम किया। लेकिन बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत करने वाली ये अभिनेत्री आज काफी बदल चुकी हैं। आज ये 20 साल की हैं और बहुत सुंदर दिखती हैं। वर्तमान में ये मॉडल के रूप में काम कर रही है। नंबर 6, स्वीनी खारा। स्टार प्लस के शो बा बहू और बेबी में छोटी बच्ची चैताली का किरदार अभिनेत्री स्वीनी खारा ने ही निभाया और ये अपनी मासूमियत से सभी को अपना फैन बना चुकी हैं। लेकिन इसके बाद इन्होंने फिल्म चीनी कम से बॉलीवुड में कदम रखा। इसके बाद इन्होंने कालू, पाठशाला और पा जैसी फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। इन्हें आखिरी बार हरी पुत्तर फिल्म में देखा गया। इसके बाद इन्होंने अपने करियर को पढ़ाई के चलते विराम दे दिया। लेकिन बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत करने वाली ये एक्ट्रेस आज बड़ी हो चुकी है और पहले से ज्यादा सुंदर दिखती है। वर्तमान में इन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना रखी है और अपनी पढ़ाई में बिजी हैं। ये नर्सी मोंजी कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन कर रही है। नंबर 5, श्रेया शर्मा। कसौटी जिंदगी के सीरियल में आपको प्रेरणा और अनुराग की बेटी स्नेहा का किरदार तो याद ही होगा। इस किरदार को अभिनेत्री श्रेया शर्मा ने निभाया और अपने इस किरदार के साथ लोगों से खूब सराहना हासिल की। इसके बाद इन्होंने नॉकआउट और चिल्लर पार्टी जैसी फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। लेकिन बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत करने वाली ये अभिनेत्री आज काफी बड़ी हो गई हैं और बहुत ही सुंदर दिखती हैं। आज भी इन्होंने अपने अभिनय करियर को जारी रखा है और तेलुगु सिनेमा में अपने अभिनय के दम पर छाई हुई है। नंबर 4, रूहानिका धवन। स्टार प्लस के लोकप्रिय शो ये है मोहब्बतें में इशिता और रमन की बेटी रूही का किरदार अभिनेत्री रूहानिका धवन ने निभाया। उस वक्त इनकी उम्र 6 साल थी, फिर भी इन्होंने इस किरदार को अच्छे से पर्दे पर उतारा। इससे पहले भी इन्होंने मिसेज कौशिक की 5 बहू में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। लेकिन बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत करने वाली ये अभिनेत्री आज काफी बड़ी हो गई है और आज 11 साल की हैं, काफी सुंदर भी दिखती हैं। वर्तमान में इन्होंने अपने अभिनय करियर को जारी रखा है और जय हो और घायल्स वंस अगेन जैसी फिल्मों में काम भी कर चुकी हैं। नंबर 3, हंसिका मोटवानी। स्टार के मैजिक शो शकला का बूम बूम में करुणा का किरदार अभिनेत्री हंसिका मोटवानी ने निभाया, जिन्होंने अपनी मासूमियत से सभी का दिल जीत लिया। इसके बाद इन्होंने देश में निकला होगा चांद, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, करिश्मा का करिश्मा जैसे सीरियल में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। पर आपको बता दें कि हंसिका मोटवानी ने टीवी शोज के साथ साथ फिल्मों में भी चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया है, जिनमें जागो, आबरा का डाबरा और कोई मिल गया जैसी फिल्में शामिल है। इन फिल्मों में काम करने के बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई के चलते अपने अभिनय करियर को विराम दे दिया। लेकिन बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर को शुरुआत करने वाली हंसिका मोटवानी आज काफी बदल चुकी हैं। आज ये 28 साल की हैं और बेहद सुंदर दिखती हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 2007 में फिल्म आपका सुरूर से अपने करियर की शुरुआत कर चुकी है और मनी है तो हनी है जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं। वर्तमान में टॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने अभिनय दम पर छाई हुई है। अपनी आने वाली फिल्म महा की शूटिंग में बिजी है। नंबर 2, ऋचा भद्रा। स्टार के कॉमेडी शो खिचड़ी में चक्की का किरदार तो आपको याद ही होगा, जो अपनी सूझबूझ से अपने परिवार की हर परेशानियों को सॉल्व कर देती हैं। इस किरदार को ऋचा भद्रा ने निभाया और फेमस हो गई। इस सीरियल के बाद इन्होंने बा बहू और बेबी और मिसेज तेंदुलकर जैसे सीरियल में बतौर बाल कलाकार काम किया। पर इन शोज को करने के बाद इन्होंने अपने करियर को थोड़ा विराम दे दिया। लेकिन बतौर बाल कलाकार अपने करियर की शुरुआत करने वाली ऋचा आज बड़ी हो गई है और काफी सुंदर भी दिखती है। वर्तमान में इस चमक भरी दुनिया से दूर है, लेकिन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। अगर बात करें इनके निजी जीवन की, तो इन्होंने बिजनेसमैन विवेक गुप्ता से 2017 में शादी कर ली। इनके साथ अपनी मैरिड लाइफ में बिजी हैं। नंबर 1, तन्वी हेगड़े। हम सबके फेवरेट सोनपरी सीरियल में फ्रूटी का किरदार अभिनेत्री तन्वी हेगड़े ने निभाया, जिन्होंने अपनी मासूमियत से सभी को अपना बना लिया।
इसके बाद इन्होंने शाखा लगा बूम बूम सीरियल में काम किया। हम आपको बता दें कि टीवी शोज के अलावा इन्होंने कुछ फिल्मों में भी काम किया है, जिनमें गज गामिनी, राहुल और पिता जैसी फिल्में शामिल है। इन्हें आखिरी बार वाह लाइफ हो तो ऐसी फिल्म में देखा गया था। इस फिल्म के बाद इन्होंने अपने करियर को विराम दे दिया और पढ़ाई में बिजी हो गई। लेकिन बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाली ये तन्वी हेगड़े आज काफी बदल चुकी हैं। आज ये 28 साल की हैं और पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं। आज ये लाइमलाइट से दूर हैं, अपनी पढ़ाई में बिजी है, पर ये सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और लगातार अपनी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती हैं। तो दोस्तों, आपको इन सभी चाइल्ड एक्ट्रेस में कौन सी चाइल्ड एक्ट्रेस ज्यादा पसंद आई, उनका नाम कमेंट बॉक्स में बता दो। और टीवी से जुड़ी और भी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर डालो।